हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मिनट ट्यूशंस। मेरा नाम उस्मान है और आज हम लोग देखने वाले हैं एसी सर्किट्स का एक थोड़ा जो आगे का पार्ट है वो, ठीक है, जो कि है वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट। तो भी आप लोग बोलेंगे तो पिछले में क्या देखा भाई, हाँ पिछले में क्या दिखा, फिर ये बताया था कि V इज इक्वल्स टू वी एम साइन थीटा, तो ये भी तो वोल्टेज है, और I इज इक्वल्स टू आई एम साइन थीटा। तो पिछले में हम लोगों ने स्टैंडर्ड के बारे में बात की थी, ये चीज़ें स्टैंडर्ड है, बट ये जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ ये है वेरिएबल। मतलब क्या कि आपका देखो साइनसॉइडल वेव कैसा है, सबको बताया था स्टार्टिंग में कि ऐसा है कि स्टार्टिंग से लेके अंत तक अपनी पूरी साइकिल में वेरी हो रहा है, स्टार्टिंग से लेके अंत तक अपनी पूरी साइकिल में क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है। तो मुझे एक इफेक्टिवनेस बतानी पड़ेगी ना साइकिल की, पीक वैल्यू डिसाइड करना पड़ेगा, कुछ तो डिसाइड करना पड़ेगा ना, पीक वैल्यू क्या था वो आया है, हाँ ठीक है चलो आ गया, एवरेज वैल्यू क्या है वो डिसाइड करनी पड़ेगी, और आरएमएस वैल्यू क्या है, अभी आरएमएस क्या है भाई, तो आरएमएस मतलब इफेक्टिवनेस, जो इफेक्टिव इफेक्ट रहेगा ना इसका वो बताना है, कितना इफेक्ट करेगा ये, ठीक है, बस इतनी चीजें बतानी। तो मतलब ये वेरिएबल है ना, पूरा करंट वोल्टेज सब वेरी करता है, तो उसमें तीन चीजें बतानी है, पहली पीक वैल्यू, सेकंड एवरेज वैल्यू, और थर्ड होती है आरएमएस। ठीक है, तो आप पहले बोलते हैं पीक वैल्यू क्या है, तो सिंपल सी बात है, नाम बोल रहा है पीक मतलब छोर पर, मतलब सबसे ऊपर, ठीक है, तो पीक मतलब क्या, तो साइनसॉइडल वेव बनाएंगे पहले अपन, तो आपको ये पॉइंट दिख रहा है, ये समझो ये आय है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, और ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम, और इसको हम लोग बोलते हैं टी आई, सॉरी आई एम, ये होता है आपका पीक वैल्यू, मतलब मैक्सिमम वैल्यू जो आपको मिला है पूरी साइनसॉइडल वेव में, ठीक है, तो ये होता है आपका पीक वैल्यू। अब एवरेज क्या है, तो एवरेज अगर सिमेट्रिकल ग्राफ है तो एवरेज होता है एरिया अंडर द कर्व, सिमेट्रिकल छोड़ो और नॉन सिमेट्रिकल छोड़ो बाद में देखते हैं, पहले ये आता क्या है, ठीक है, एवरेज वैल्यू है क्या, तो एरिया अंडर द कर्व अपॉन बेस लेंथ, ये किसकी चीज है, ये क्या है, ये होता है आपका एवरेज वैल्यू, क्या होता है ये एवरेज वैल्यू। तो अब इसको लाएंगे कैसे, तो सिंपल सी बात है, इसका एक छोटा सा डेरिवेशन है वो देख लेते हैं, न्यूमेरिकल जो इसका न्यूमेरिकल है सेम वैसा डेरिवेशन पे आता है, सेम टू सेम, ठीक है, तो डेरिवेशन देख लो मतलब कैसे आता है ये वैल्यू, आपको पूरा न्यूमेरिकल आ जाएगा, देख लेते हैं एक बार, ठीक है, क्या है भाई डेरिवेशन में, तो ब्लैक से करेंगे इसको, लिखते हैं कि भाई एक साइनसॉइडल वेव है ऐसे, ये पाए ये टू पाए, और ये आपका है पाई बाई टू, ये समझो ग्राफ है आई वर्सेस टी का, ठीक है, ये आपकी वैल्यू होगी आई एम, जो कि यहाँ रिफ्लेक्ट करेगी, इसको भी आई एम ही बोलेंगे, और ये आपका वैल्यू हो जीरो स्टार्ट हो रहा है इसलिए। तो मैंने क्या बोला था कि एवरेज वैल्यू ये करंट का है ना, तो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट आई विल बी, इसको या तो आप ऐसे लिखो या तो ऐसा लिख दो, कैपिटल आई ए वी जी, समझा, तो इसके बाद ये लिखने के बाद आपको सिर्फ इतना लिखना है कि एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व मतलब क्या है इसका, ये चीज देखो ये और ये सेम है, पूरा डोम शेप सेम है, सिर्फ ये ऊपर है और ये नीचे, ठीक है, तो इसका फाइंड करेंगे अपन, क्या ये एरिया अंडर द कर्व मतलब क्या, इंटीग्रेशन ऑफ एरिया अंडर द कर्व मतलब यहां से लेके यहां तक, तो इंटीग्रेशन कहां से होगा, जीरो टू पाई,
किसका कर्व है ये? तो ये करंट का कर्व विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? या तो इधर थीटा होगा या तो टाइम। चलो अपन ने टाइम लिया तो टाइम लिखेंगे। हुआ अब थीटा ले लो, ज्यादा बेटर रहेगा। थीटा हो गया। अब आपको किसके रिस्पेक्ट अभी डिवाइड बाय, मैंने क्या बोला, बेस लेंथ। बेस लेंथ कितना है भाई? पाई। हेलो हो गया, इंटीग्रेशन आता ही है, कर दो सॉल्व हो जाएगा। तो करके दिखाता हूं मैं, इंटीग्रेशन ऑफ आई। बट आई का वैल्यू क्या है? तो जहां तक मुझे पता है आई का वैल्यू है आई एम साइन थीटा। ये चीज फेंको इसमें, क्या मिलेगी? ये चीज फेंकने के बाद ऐसा कुछ तो मिलेगा, क्या मिलेगा? इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू पाई आई एम साइन थीटा डी थीटा अपॉन पाई। समझा अभी थीटा क्यों लिया मैंने? इसीलिए। समझा? अब इंटीग्रेशन तो सबको आता है, क्या करेंगे? कांस्टेंट लात मार के बाहर, तो पाई आई आई एम बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा क्या होता है? माइनस कॉस थीटा, जीरो टू पाई अपॉन पाई, खत्म। इसको करने के बाद आपको इसकी वैल्यू मिलेगी, वो कुछ होती है 0.637 टाइम्स आई एम। मतलब आपका आई एवरेज आपके आई मैक्सिमम वैल्यू के इतना टाइम्स है। समझा? मतलब कम है ना ये वैल्यू, मैक्सिमम से तो कम ही होगा यार एवरेज, ठीक है? तो ये इतना वैल्यू है। समझा? तो आपको ऐसे न्यूमेरिकल आएंगे, ऐसे ही बोला रहेगा, ज्यादा से ज्यादा क्या दिया रहेगा उनमें, इसके बीच में बोला रहेगा फाइंड करने के लिए। मतलब एक ये पॉइंट दिया ही है, फिर इधर भी एक पॉइंट दिया रहेगा, उधर फाइंड करने बोला रहेगा। तो मैं बताऊंगा आपको न्यूमेरिकल में कैसे करते हैं, बट आज के लिए इतना ही कि आप, मतलब इतना इतना इसलिए बता रहा हूँ मैं ताकि आपको, बोलते हैं ना न्यूमेरिकल्स साथ में अगर मैं लूंगा ना तो थोड़ा इश्यू हो जाएगा कि आप कंफ्यूज हो सकते हो अलग अलग टाइप में। तो इसलिए मैं सिर्फ ये इस वीडियो में से आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि इनके साथ डील कैसे करते हैं, उसमें मैं तीन चार टाइप के सम लूंगा, मैक्सिमम तीन लूंगा, उसमें सब कवर करने को ट्राई करूंगा मैं। तो इसके लिए सिर्फ इतना ही करते हैं क्योंकि आई और वी दोनों के लिए सेम होता है, ठीक है? तो मैं आपको आरएमएस भी बता देता हूं, इसमें होता क्या है आरएमएस। तो आरएमएस होता है, एक मिनट बता देता हूं, आरएमएस मतलब मैंने आपको बताया इफेक्टिवनेस। आरएमएस क्या होता है, उसका भी एक डेरिवेशन है, आपको वो जरूरत तो है नहीं, मैं सीधा वैल्यू बता रहा। जैसे इसकी आपको सिर्फ न्यूमेरिकल के लिए जरूरत है, सेम डेरिवेशन है, सेम आरएमएस का भी, बट उसमें से वैल्यू क्या आती है पता मालूम है? आई इज इक्वल्स टू आई आर एम एस इज इक्वल्स टू आई एम डिवाइडेड बाय रूट टू एम्पियर, खत्म। इतना आता है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है। एग्जाम में डेरिवेशन कोई नहीं पूछने वाला, सिर्फ आपको पूछेगा आरएमएस वैल्यू फाइंड करो, आपको आईएम पता है आरएमएस मिल जाएगा। समझा? अगर आईएम नहीं पता है, अगर आपको वो पता है, क्या बोलते हैं, आई एवरेज, तो आई एवरेज से आपको आईएम मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? 0.637 टाइम्स आईएम होता है ये, तो इससे आपको आईएम मिल जाएगा। आईएम इसमें डालो भाई, आरएमएस मिल जाएगा। समझा? इजी है, कुछ नहीं, न्यूमेरिकल करेंगे, सब डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक करो यार, शेयर करो, कमेंट करो, जो भी डाउट है सब पूछ लो, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। और मेरी साइट, मतलब हम लोग की साइट है lastmotivation.com, वहाँ जाके विजिट करो, बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है, ट्राई करो, चेकआउट करो, और नोट्स भी अवेलेबल होंगे इसके, तो ले लेना। थैंक यू।